और मैंने जैकेट निकाल दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगता था और पैदल चल रहा हूँ इसलिए थक जाता हूँ। और अच्छी जगह है घूमने के लिए। और इधर जो नेपाल वासी रहते हैं ये झोपड़ी वगैरह बना के रहते हैं। हट ये रहा इनकी झोपड़ी, ऐसे कहीं कहीं मतलब घर बना हुआ है झोपड़ी, और बाकी वैसा कच्चा मकान बना हुआ, पक्का मकान नहीं बना, ईंट पत्थर वगैरह के बस यही झोपड़ी पूरा वगैरह बना के ये लोग रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक रिवर गई है, पता नहीं रिवर का नाम क्या, अभी स्थानीय लोगों से पूछ के बताते हैं कि ये रिवर का क्या नाम है। इसमें यार पत्थर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं, सफ़ेद सफ़ेद, जो कि बहुत देखने में बहुत अच्छे लुक हैं। और आप लोगों को बताते हैं अभी देख के कौन सा पत्थर है ये, कौन सी रिवर है, नदी है। और कुछ लोग नेपाल के वासी यहीं पर घर बना के रहते हैं। और इधर रही मेरी पूरी टीम ग्रुप घर जा रहे हैं और उनमें से मैं भी हूँ। अच्छा लगा यहाँ घूमने के बाद। इससे पहले मैं घूमने वहाँ गया था जिसे श्रावस्ती, वो सहेट मेट एक स्थान है, वहाँ भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और वहाँ भी लोग आज घूमने गए होंगे, लेकिन मैं आज नहीं गया। आज मैं सोचा कि लाओ यहीं मेरे लिए यही स्थान सूटेबल रहेगा। यहाँ पे जो पहाड़, नदियाँ, समुंदर, घाटी, बड़े बड़े पेड़ पौधे, बहुत कुछ देखने को मिलता है और अच्छा फील होता है। इसके बाद शांति वगैरह ज़्यादा है, बस केवल जंगल जंगल। इधर मेरी पूरी ग्रुप टीम 30-40 लोगों का आज टूर पे निकला है, सोचे प्लान था। चलते रहो चलते रहो, मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन। और यहाँ पे एक मकान भी बना हुआ है, पक्का मकान लगता है नेपाली लोगों का है, और ये 2 फ्लोर का है और ये पक्का मकान भी है। सोचने वाली बात है। हाय मित्रानु, और पटेल लोग एक सेल्फी लो। और ये रही नगद वाला डिस्को, उधार वाला क्या लिखा है, किसको किसको, अच्छा बहुत अच्छा चीज लिखा है यहाँ पे, नगद वाला डिस्को उधार वाले किसको, हाँ, किसको उधार वाले किसको, एक शॉप है दुकान पे जो लिखा हुआ है इस तरह का। ये रही शॉप। हाय बोलो, हाय बोलो सब लोग, हाय बोलो, हाय बोलो। ये रही मेरी टीम का लगभग 30-40 लोगों का ग्रुप है और आज लोग हम लोग निकले हैं यात्रा के लिए। आप लोग देख सकते हैं अभी खाएंगे, भूख लगे तब। इधर रही झोपड़ी उपड़ी बना हुआ है, इसमें रहते हैं स्थानीय लोग नेपाल। इधर तो बहुत बड़ा पहाड़ दिख रहा है, अभी हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। हम लोग यही बड़े बड़े पेड़ पौधे, लोग ताश बैठे खेल रहे हैं स्थानीय लोग हैं नेपाली लोग। और ये रहा मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड, काफ़ी क्यूट है। हाय फ्रेंड्स। और यहाँ पे कुछ लोग स्नैकर के साथ आए हैं, मतलब कि नाश्ता कर स्नैकर आए लंच कर रहे हैं क्योंकि इनको पैदल चलते चलते भूख लग गई है और सुबह ब्रेकफास्ट करके घर से निकल चुके थे। और यहाँ पे पानी वगैरह की सुविधा है और काफ़ी दूर दूर तक यहाँ पे पानी नहीं है। और यहाँ पे बना हुआ टैप लगा हुआ है, मिलाते हैं। और स्थानीय लोग मतलब यहाँ पे बनाए हुए हैं नल वगैरह, हैंडपम्प लगा हुआ है वहाँ पर, मतलब खाते के नाश्ता वास्ता करके करते हैं। और ये मेरे